गाइस अभी बारात आई है दूल्हे की, कर्म कर्म खाना जो तैयार हो रहा है। ये दूल्हा है, दूल्हा नहीं है, वो जहेज दे रहे हैं। जो कर्म खाना जो है ना, वो तकसीम होना शुरू हो गया। वो भूख है जो वाला गैस अभी बारात आई है दूल्हे की दुल्हन के घर में। तो इस शाम के तकरीबन 3 बज चुके हैं। अभी वो ट्रेडिशनल जो उनकी एक झूमर है, भंगड़ा है, वो दूल्हे वाले दुल्हन के घर के बाहर गली में लुटा रहे हैं। ये जो कार नज़र आ रही है, ये दूल्हे की कार है। इसको इसीलिए सजाया गया है कि दुल्हन को ब्याह के इस कार में दूल्हे वाले अपने घर ले जाएंगे। ये पकती हुई देगिंग गरम गरम खाना जो तैयार हो रहा है, ये दूल्हे की तरफ से आने वाले मेहमानों को दुल्हन वाले खाना देंगे। अब ये सब इंतजाम उनके लिए किया गया है और नीचे ज़मीन में दरियां बिछा दी गई हैं। आज बारात दुल्हन के घर में अब इंटर हो चुकी है भाई। ये दूल्हा है, दूल्हा नहीं है, जिसके सर के ऊपर ये चुनरी लाश रखी गई है। हंसिएगा नहीं, क्योंकि दुल्हन अंदर बैठी है, दूल्हा बाहर है। इसके ऊपर नोट मारे जा रहे हैं। ओह माय गॉड, आप ये देख रहे हैं, बहुत सारे बिस्तरे और बहुत सारे बर्तन एंड शूज और बहुत सारी चीज़ें जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की होते हैं। ये ढेर किस चीज़ का है? ये दुल्हन वाले दुल्हन को जहेज दे रहे हैं, जो दूल्हे और दुल्हन की मलकियत होगी। ये इनका एक रस्म है, दुल्हन को ज़रूर कुछ न कुछ देना पड़ता है। लो जी, अब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गईं। अब गरम गरम खाना जो है ना, वो तकसीम होना शुरू हो गया। सबसे पहले जो खाना है, ये दुल्हन के घर में आए गए दूल्हे के मेहमानों को, और स्पेशल जो दुल्हन के मेहमान हैं उनको तकसीम किया जा रहा है। ये 4 पही पे भरी भरी प्लेटें गरम गरम और टेस्टी खाना तेरी हर किसी के वो भूख ने जो उबाला कर दिया है। हाँ।